Hello students, today we are going to discuss about the first unit of the class 12, solution. And what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. That means a homogeneous system which contains two or more substances is called solution. Ab homogeneous kya hota hai? Do ya do se adhik substance ko aap mila raha ho, ek uniform system aa jaye, uniform system, tab usko hum log bolte hain solution. सॉल्यूशन जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना रहता है उन सब्सटेंसेस को कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है. जैसे एक सॉल्यूशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि शुगर और वाटर है. तो शुगर एंड वाटर आर द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन. और जो कंपोनेंट लोअर अमाउंट में होता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जो हायर अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. ये सब बेसिक चीज है, ये सब हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो इसीलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए. जो लोअर अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. अब क्या है, कुछ सिंबल्स होता है जो हम लोगों को याद रखना पड़ता है. जैसे W1 मास ऑफ सॉल्यूट, उसी तरह से W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. N1 को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय W1 बाय M1. ये क्या हो जाएगा W2 by M2. मोलर मास कैसे निकालते हैं तो ये हम लोग लोअर क्लास में जानते हैं. और अगर आप नहीं जानते हैं मोलर मास निकालना तो प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है, आप सर्च करके देख लीजिए मोलर मास कैसे निकालते हैं. तो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग. जिन सब्सटेंसेस से मिलकर कोई सॉल्यूशन बना है उसे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं. जो कंपोनेंट लोअर अमाउंट में रहता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं. जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में रहता है, एक्सेस अमाउंट में रहता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं. और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो तो उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट हो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट हो उसे हम लोग क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहते हैं. तो इस तरह से आपका सारा डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके अलावा यहाँ दो पॉइंट लिखा हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉम्प सॉल्यूशन. हालांकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं क्लास 12 में, लोग बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं. दैट मींस टू कंपोनेंट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन का डेफिनेशन में है कि वैसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लो अमाउंट. इतना कम अमाउंट होता है सॉल्यूट का कि अगर सॉल्वेंट के मोल्स में सॉल्यूट के मोल्स को ऐड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. दैट मींस N1 प्लस N2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N2. लेकिन कॉम्प सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है. कॉम्प सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, कॉम्प सॉल्यूशन का. इसके अलावा होता है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसे हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं. इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलो. उसमें आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, और कॉमन एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है. तो पहला क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन. जैसा सॉल्वेंट का नेचर होगा, यानी जिस तरह का सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है उसी के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है. सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्वेंट सॉलिड होगा. लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्वेंट लिक्विड होगा. गैसियस सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्वेंट गैस होगा. और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के आधार पर फिर इसका नाम आप अलग अलग लिख सकते हैं. जैसे इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन,
लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड सॉल्यूशन, लेकिन जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है उस सॉल्यूशन को उसी नाम से जाना जाता है, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। बाकी सारा एग्जांपल्स लिखा हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। अब आगे के वीडियोस में हम लोग कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।